इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में 9 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी को किया गिरफ्तार। देखिए टाइम्स टुडे इंडिया की ये खास खबर। हीरानगर थाना प्रभारी अभय नीमा के मुताबिक छोटी भमोरी में रहने वाले 30 वर्ष भरत उर्फ राकेश वर्मा पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति की 9 वर्ष की बच्ची जो माता पिता के काम में जाने के बाद छोटे भाई के साथ संबंधित व्यक्ति के बच्चों के साथ खेलती थी और वहीं सो जाती थी। बताया जा रहा है कि 10 दिन पूर्व आरोपी भरत बच्ची के साथ खोटा काम करने का प्रयास किया था। यही नहीं, इसके पहले भी वह इस तरह की हरकत कर चुका है। हाल ही में घटना का जिक्र बच्ची ने अपने माता पिता से किया, जिसके बाद माता पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने धारा 376 और पासो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। ये थाना हीरानगर क्षेत्र के अंतर्गत एक वारदात हुई है। एक 10 साल की बच्ची है जिसके साथ में एक वयस्क पुरुष ने एक इस प्रकार का अपराध किया है। वो बच्ची अपने दोस्त के साथ खेलती थी। बताया जा रहा है कि वो छोटा जो बच्चा है उसके दोस्त का पिता है। जब वो खेलते खेलते उसके घर पे चली आती थी तो उसके साथ में वहाँ पर वो दुष्कृत उसने करने की कोशिश करी, जिससे भयभीत होकर उसने अपने पिताजी को आकर बताया और बच्ची और उसके पिताजी थाने पे आके इस बात का उनने पूरा हमें पूरा डिटेल्स दी, जिसके चलते हमने थाना पे 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और अपराधी भी जो है वो आरोपी वो हमारे गिरफ्तार